गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू बेटा? बेटे आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक हिंदी व्याकरण का लेसन नंबर 6 विशेषण के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले विशेषण की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। बेटे जिन शब्दों से हमें संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा क्या होता है बेटे? जब किसी सेंटेंस के आगे नाम आ जाए, और सर्वनाम यहाँ पे यह है, वह है, वे, ठीक है, हम, आप, ये शब्द आ जाए और उन शब्दों की विशेषता बताए हमें, उसे हम कहते हैं विशेषण। रिपीट अगेन, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। उसके बाद आगे विशेषण के रूप, विशेषण के कितने रूप हैं बेटे? 4 रूप। विशेषण के 4 रूप हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक, ठीक है बेटा। विशेषण के कितने रूप हैं? विशेषण के 4 रूप हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक वाचक। बेटे अब हम विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचनी है। हमने ये कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इनके बीच से हमने विशेषण को चुनना है और उसे रेखा लगाना है। सबसे पहले क, आम मीठा है। देखो आम एक नाम है, फल का नाम है, और मीठा, आम कैसा है? वो क्या है बेटे? वो मीठा है। तो इस वाक्य के शब्दों की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया? मीठा विशेषण। तो हम फर्स्ट में किसको अंडरलाइन करेंगे? मीठा, आम मीठा है, तो इसमें विशेषण कौन सा है? मीठा। नेक्स्ट ख, मेरे कई मित्र हैं। अब देखो बेटे, मेरे अगर हम लिख दें मेरे मित्र हैं, तो उसमें ये नहीं लिखा कि एक है, दो है या तीन है, कई लिख दिया, तो इस वाक्य की विशेषता बता रहा है कई, तो ये क्या हो गया? विशेषण। एंड नेक्स्ट, मेज पर 3 पुस्तकें रखी हैं। अब आगे है बेटा, मेज है, ठीक है, नाम हो गया, संज्ञा हो गई, तो यहाँ पे आ गया 3। यहाँ पे हमें पता लग गया कि पुस्तकें कितनी हैं? 3 हैं। तो इस वाक्य की विशेषता बता रहा है 3, कि मेज पर कितनी पुस्तकें रखी हैं? 3 रखी हुई हैं। तो इसमें कौन सा विशेषण हो गया? 3। नेक्स्ट घ, मोटा बंदर पेड़ पर बैठा है। अगर हम मोटे को अलग कर दें, सिर्फ ये देखें कि बंदर पेड़ पर बैठा है, लेकिन बंदर बैठा है पेड़ पर, लेकिन कैसा है वो? पतला है या मोटा है? एक है या दो है? कितनी है? लेकिन यहाँ पे आगे सेंटेंस के आगे लिखा हुआ है मोटा, मोटा बंदर पेड़ पर बैठा है, तो इस पूरे वाक्य की विशेषता बता रहा है मोटा, तो ये क्या है बेटा? विशेषण मोटा। ड, गरम दूध मत पियो। अब देखो अगर गरम को अलग कर दें, तो यहाँ पे लिखा है दूध मत पियो। अब हमें वो किस चीज की कह रहा है कि कैसा दूध ना पियो, ठंडा, गरम, कम या ज्यादा, ना? तो आगे क्या आ गया? गरम। तो यहाँ पे विशेषता बता रहा है गरम, कैसा दूध मत पियो, गरम दूध मत पियो। तो इस वाक्य की विशेषता क्या आ गया? गरम। इस वाक्य की विशेषता क्या बेटे? गरम दूध मत पियो। तो बादल तो नहीं होते ना, तो कौन से बादल होते हैं? काले। तो क्या आएगा बेटे? काले। नेक्स्ट, मेज पर 2 पुस्तकें रखी हैं। तो यहाँ पे है 2 या नरम, डैश में हम क्या करेंगे बेटा? 2। मेरे पास डैश खिलौने हैं। अब इनमें ब्रैकेट में दिया हुआ है कई शरारती, तो यहाँ पे क्या आएगा? कई। नेक्स्ट, उचित विशेषण शब्द चुनकर लिखो, लंबा आदमी डैश खा रहा है, डैश आदमी खाना खा रहा है। कैसा आदमी खाना खा रहा है? लंबा या गोल? कैसा बेटे? लंबा। आओ डैश चाय पियो। तो वो हमें कैसी चाय पीने के लिए कह रहा है? भारी या गर्म? कैसी चाय पीने के लिए कह रहा है बेटा?
गरम। संज्ञा शब्दों के लिए उचित विशेषण शब्द छांट कर लिखो। अब हमने इनमें से जो सही हैं उन विशेषणों को छांट कर लिखना है। सबसे पहले है तोता। अब तोता देखो कैसा होता है, हरा, छोटी, लाल, ठंडी। कैसा तोता होता है बेटे, हरा। अब आगे है गुलाब। अब गुलाब कैसी होती है बेटे, हरा, छोटी, लाल या ठंडी। कैसी होती है गुलाब, लाल। नेक्स्ट है लस्सी। अब लस्सी कैसी है, हरा, छोटी, लाल, ठंडी। तो लस्सी कैसी होती है बेटा, ठंडी। नेक्स्ट है लड़की, हरा, छोटी, लाल, ठंडी। तो लड़की कैसी है बेटा, छोटी। आप देखो बच्चे, शब्दों की सहायता से संख्या शब्दों के लिए दो दो विशेषण लिखो। आपको ऊपर ब्रैकेट में ऑप्शंस दी हुई हैं, ठीक है, एक, दो, तीन, सफेद, छोटी, पीले। अब हमने देखना है इडली। सबसे पहले इडली, इडली कैसी है, इडली तीन है और वो कैसी होती है, सफेद।